मीडिया की आपसे भी अपील है कि अगर आपके भी क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है, बटन दबाइए, देश बनाइए। देखिए तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, हम एक बार अहमदाबाद का भी आगे रुख करेंगे। जनक दवे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन इस बीच हम आपको बता दें बड़ी तस्वीर ये निकल कर आ रही है। अभी आपने उदित राज को भी सुना, दलित नेता जो ये कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट नहीं मिला दिल्ली से तो पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन 116 सीटें जो आज तीसरे चरण में चुनाव में जा रही हैं, उनमें से कितनी सीटें ऐसी हैं जिन पर दलित मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं, जानते हैं प्रीति से। राज का जिक्र किया तो उदित राज के साथ साथ इन चुनाव में एक बड़ी तस्वीर दलित नेताओं की देखने को वो मिली कि उन्होंने अपने आप को विक्टिम कार्ड के तौर पर पेश किया। उसमें मायावती का नाम सबसे ऊपर, जब इलेक्शन कमीशन ने उन पर पाबंदी लगाई। लेकिन दलित वोटर कैसे निर्णायक इन चुनाव में होने जा रहे हैं ये हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको हम बताते हैं पश्चिम बंगाल की वो दो सीट, 11 कुल 116 सीटों में से 11 सीटें ऐसी हैं पश्चिम बंगाल की, दो सीटें उनमें। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इन 11 सीटों में एक सीट ऐसी है जहां पर दलित वोटर निर्णायक होगा। छत्तीसगढ़ की तरफ अगर हम रुख करें तो वहां पर दो ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित वोटर प्रभाव डालेगा। इनके अलावा आगे बढ़े कर्नाटक की बात करें तो वहां पर सबसे ज्यादा ये जो 11 सीटें हैं वहां पर 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर दलित वोटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है।